आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और एक स्पेशल मार्केट इंटरेक्शन आपके लिए प्लान किया है बाजार के सबसे ज्यादा खुश मिजाज फंड मैनेजर्स के साथ समीर अरोरा हिलियस कैपिटल के आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार में अपने व्यूज देने के लिए और वो खुद मार्केट में किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं इन्वेस्टिंग को। समीर बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश पर हमसे बात करने के लिए। आप इस बार हमें सिंगापुर से नहीं लंदन से हमारे साथ बात कर रहे हैं, वहाँ का मौसम तो काफ़ी अच्छा होगा। देखा जाए तो बाज़ार का मौसम लास्ट 3-4 दिनों में बहुत ज़बरदस्त हो गया और काफ़ी लोगों को शेक इन कर दिया। आपकी क्या राय बन रही है जिस हिसाब से एक शार्प करेक्शन है उसके बाद थोड़ी सी रिबाउंड देखी हमने मार्केट में? लंदन का वेदर तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ठंड है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, और इंडिया की मार्केट का भी यही है, थोड़ी सी चेंज हुई है, बहुत ज्यादा नहीं हुई है एंड होनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक ये जो पेटीएम के इशू से जो ओवरहैंग हुआ उसका ज्यादा इंपैक्ट बाकी फिनटेक्स और सिमिलर हाई प्राइस्ड आईपीओज में होगा, जो कि थोड़ा होना भी चाहिए था, बल्कि उससे हो सकता है कि बाकी मार्केट को और राहत मिले, क्योंकि अदरवाइज ये सारे पैसे जो आपके आईपीओज में लग जाते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अल्टीमेटली मनी अनलिमिटेड नहीं है पब्लिक या इन्वेस्टर्स के पास, तो अगर एक चीज इतनी ज्यादा गंदे ना करे कि पूरी मार्केट को उससे नुकसान हो जाए, इट इज बेटर कि नए आईपीओ जो आए वो थोड़े इसको ध्यान में रखे कि, या इन्वेस्टर्स ध्यान में रखे कि ऐसे भी होता है आईपीओ में, देयरफॉर मोर केयरफुल रहे और बहुत ओवर प्राइस आईपीओ इफेक्टिवली डिस्करेज हो जाएंगे। जी हाँ, तो ये आईपीओ मार्केट में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बाज़ार का, कुछ अच्छा कर रहे हैं कुछ उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, कहीं वैल्यू डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। आपको लगता है यहाँ से जो आईपीओ आएंगे वो थोड़े ज़्यादा सेंसिबली प्राइस्ड होंगे, थोड़ा रैशनली बैंकर्स प्रमोटर्स सब बात करेंगे और इनफैक्ट इवन इन्वेस्टर्स जो अप्रोच करते हैं लगाते हैं वो चेज नहीं करेंगे और बहुत सावधानी बरतेंगे? ऑटोमेटिकली होगा जी, अब कितने परसेंट होगा ये मुश्किल होता है कहना, क्योंकि अगर फिर 2-3 आईपीओ आ गए जो अच्छे किए फिर लोग इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली इससे कई इनका तो जो प्लस माइनस नुकसान हुआ, 2-4 और कंपनियां जो या तो आईपीओ कर नहीं पाएंगे या उनके जो उन्होंने सोचा था 2 महीने पहले वैल्यूएशन बहुत कम हो जाएंगी, तो इनडायरेक्ट नुकसान तो कईयों को होता है। समीर, एक बातचीत निकल के आ रही है यहाँ पे इंडियन मार्केट इकोसिस्टम में, इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनले के चेतन आया जी ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी इसी बारे में, और उन्होंने कंपेयर किया है कि ये जो मार्केट साइकिल है या इकोनॉमिक साइकिल है, एक्सपेंशन जो हो रहा है इकोनॉमी में, वो 2003 से 2007 जैसा एक लगता है, एक उसके जैसा सिमिलर लगता है, एग्जैक्ट कंपेरिजन तो नहीं। आपको भी लगता है क्या कि माहौल उसी तरह का है, क्योंकि आपने तो बड़े साइकिल्स देखे हैं बाजार में? ये जी हाँ, उसमें किया था, लेकिन मैं उस माहौल की मार्केट से मुझे नहीं लगता कि ये सिमिलर है, इन द सेंस उस टाइम में रिटर्न्स पर एनम बने, अगर आप 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 पांच साल के रिटर्न देखें इंडेक्स के, वो थे करीब 45% पर एनम। अब किस बेसिस पे आज बोलेंगे जी 45% पर एनम की आपकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है? हम ये कह सकते हैं कि बुलिश पीरियड है। बुलिश पीरियड का मतलब हम डिफाइन करते हैं कि आपके फिक्स्ड इनकम, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट, आपके बॉन्ड फंड, ये सब उससे बेटर रिटर्न होना चाहिए 5-7% पर एनम। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमने पिछले साल में इस एक्विटी में क्यों डाला, डेट में क्यों नहीं डाला, या फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं किया। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने गोल्ड में क्यों नहीं डाला, उस हिसाब से ठीक लगती है, लेकिन 2003-2007 का हर्डल इतना हाई है कि 40-45% पर, तो अब मुझे लगता है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि ये 2003 है, व्हाट आर दे सेइंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, 45% की कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए जरूरत भी नहीं है। अगर हमारे को फिक्स्ड इनकम रिटर्न से 7-8% ज्यादा मिले, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज है, इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट, अगर ज्यादा बनेगा तो हम दोनों हाथों से लेंगे, लेकिन उस बेसिस पे अगर आप प्लानिंग करोगे तो आप कहोगे कि मकान अभी नहीं खरीदते, मकान बेच देते हैं, ज्वेलरी गिरवी कर देते हैं, क्योंकि 45% रिटर्न तो कोई और नहीं बनाने वाला, लेकिन उसका कोई लॉजिक मतलब बाद में पता लगेगा, लेकिन इतना अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन टू थिंक इट इज लाइक द बेस्ट पीरियड दैट इंडिया हैज एवर हैड फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पॉइंट, नॉट फ्रॉम एन इकोनॉमी पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा है। होगा तो लेंगे, होगा तो दोनों हाथों से लेंगे, लेकिन आप रीजनेबल एक्सपेक्टेशन से जाएं कि भाई इट विल बी बेटर देन व्हाट एल्स यू कैन डू विद द मनी, वो फेयर फेयर एक्सपेक्टेशन है कि होना चाहिए।
हमने लास्ट 6 से 8 महीनों में देखा है कि FII जो एक होमोजीनियस मिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी डेटा तो रीड किया जाता है, ये उनके तरफ से काफ़ी बिकवाली रही है। इधर टेपरिंग की भी बातचीत बढ़ती जा रही है बाज़ार में। आप खुद भी एक FII हैं और आप उस तबके से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली इंटरेक्ट करते रहते हैं, आपको क्या लगता है यहाँ से बाज़ार में दबाव बन सकता है अगर इनकी FII की सेलिंग चलती रही? टेपर की भी बातचीत है, आपका उस पर क्या नज़रिया है? नहीं जी, ये बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप बोले कि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं थे इस साल, राइट, तो इंडिया बढ़ गया 25%, लेकिन आप एशिया एक्स जापान को देखें तो आई थिंक 2% अप है रुपी टर्म में। ऑफकोर्स चाइना तो डाउन है, तो ये उसमें भी ये नहीं था कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि रेट हाइक नहीं थे तो सारी मार्केट वर्ल्ड की चल रही थी, कुछ चल रही थी कुछ नहीं चल रही थी। एंड एक और बात है, अगर आप पुराना पीरियड देखें जैसे 2002 एंड या 3 से 7 तक का, तो उस बाद जबकि इंडिया का बिगेस्ट बुल रन हुआ, वर्ल्ड का भी बड़ा अच्छा बुल रन हुआ टिल 2007 एंड, तो उस टाइम में 17 कंसेक्यूटिव रेट हाइक्स हुए थे फेडरल रिजर्व के। हर मीटिंग में 17 क्वार्टर में 0.25% उन्होंने बढ़ाया रेट, एंड वो करीब आई थिंक 2% से शुरू हुआ और 6.25 पे जाके खत्म हुआ। एंड वाइल द रेट्स वर गोइंग अप 17 बार हर क्वार्टर 4.25 साल तक, मार्केट का बिगेस्ट बुल रन हमने जो अपनी जिंदगी में देखा है वो वाला बुल रन था, ये तो उससे बहुत कम है। तो आई डोंट थिंक इतना इस, और वो सबको पता है अब, एंड अगर वो किसी ने रिएक्ट करना है तो पहले यूएस मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए। हम दूर बैठ के कैसे एनालाइज करें कि यूएस फेडरल रिजर्व के उससे सडनली हमारी मार्केट को आज ये हो जाएगा? पिछली बार भी नहीं हुआ था, कभी होता है कभी नहीं होता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस रीजन पे आप उसको स्टोरी को बनाएं। अभी अगर लगे कि आप थोड़ा सा रिवर्सल टू मीन कर रहे हैं, प्री कोविड टाइम्स के हिसाब से आपकी मार्केट बढ़ गई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है, तो इंटरेस्ट रेट भी प्री कोविड तो होने चाहिए कम से कम, और प्री कोविड 10-year रेट यूएस में करीब 2% था। तो हर रेट हाइक को ऐसे नहीं गिनना चाहिए कि ये आज से हमारा नेगेटिव पीरियड शुरू हो गया है, ऐसे नहीं। समझ, चलिए अब कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं, स्पेसिफिक एरियाज की बात करते हैं। फिनेंशियल्स जो लास्ट 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे थे मार्केट में, उसमें अब थोड़ा इंटरेस्ट लौटता नज़र आ रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफ़ी, PSU बैंक्स में सॉरी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। एक राय ये भी आ रही है कि शायद क्रेडिट साइकिल वो एक एक्सपेंड होना स्टार्ट होने वाला है, एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ अ अर्ली क्रेडिट साइकिल हो रहा है। आपकी फिनेंशियल्स पर क्या राय है? हम तो जी सबसे ज्यादा हमारा वेट फाइनेंशियल्स में ही है, बिकॉज अगर आप आज देखें कि चलो जी एक साल में मार्केट बहुत बढ़ गई है, सो मोस्ट कंफर्टेबल इज फाइनेंशियल्स। ऑल्सो अगर आप लास्ट 3-5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आपको लगेगा कि कंज्यूमर कंपनीज में या हाई क्वालिटी कंज्यूमर स्टेपल टाइप्स में ऑल दो अर्निंग्स ग्रोथ रही है 10-12-15% की, स्टॉक प्राइस ग्रोथ हुई है 25-30% पर एनम की 5-5 साल, एंड वो अनरीजनेबल लगता है मुझे कि वो उसको कंटिन्यू करना इज अ रीजनेबल बेट। तो फाइनेंशियल में क्या होता है कि एक तो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री अच्छी है इन सब कंपनीज की, रिसेंटली इनके रिटर्न बुरे नहीं होते लेकिन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं होता, थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस होती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम तीन, जो हमारी तीन थीम्स हैं बड़ी थीम जो मार्केट की भी थीम्स हुई होती है मोस्टली, वन इज प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल, एक कंज्यूमर और एक टेक फार्मा टाइप, फिर कभी कभी कोई नई चीजें आ जाती हैं जैसे स्पेशलिटी केमिकल आ गया, कभी एक स्टेट बैंक आ गया या कभी कोई टाटा स्टील आ गया, बट मोटा माटी ये तीन थीम्स ही बड़ी थीम्स हैं, फाइनेंशियल कंज्यूमर और टेक फार्मा। तो उसमें अंडर परफॉर्मेंस क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स में रही है, लेकिन लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और कंपनीज की हिस्ट्री अच्छी है, एंड देन ऑल दीज थिंग्स की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये NPA साइकिल शायद बेटर हो गई, उन्होंने सबने प्रोविजनिंग अच्छी कर ली, तो स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, हमारी ये तीनों ही टॉप होल्डिंग्स है, ऑर्डर है ICICI, HDFC, स्टेट, बट तीनों पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी होल्डिंग्स है, नॉट जस्ट फाइनेंशियल सेक्टर। चलिए मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट देखा हमने बीते क्वार्टर में रिजल्ट्स के द्वारा, कॉमेंट्री भी बहुत अच्छी थी। एक तरफ तो स्टील वगैरह सेक्टर है, दूसरी तरफ दूसरे सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स, वहाँ भी डिमांड आउटलुक तो काफ़ी अच्छी है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स देन
वेदांता जैसे स्टॉक्स हैं, हालांकि बहुत वॉलेटाइल है बट बाजार को थोड़ा लैग करते आए। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात हो रही है, आप इस स्पेस को कैसे देखते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बिग पिक्चर में तो हम मेटल लेते नहीं थे। जनरली हम कहते हैं कि हम लेते नहीं है, बिकॉज उसमें कंफ्यूजन हमेशा यही होता है कि इसको प्रोजेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि वो ग्लोबल फैक्टर्स से चलती है कहानी। लेकिन हमने लास्ट 6-7 महीने में टाटा स्टील और हिंडाल्को लिया हुआ है, क्योंकि हमें लगा कि इस समय की साइकिल के लिए 4-5% कंबाइंड वेट दोनों में जायज है, कि चाइना जो है अपनी प्रोडक्शन का नॉट कम नहीं कर रहा बट न्यू प्रोडक्शन नहीं करना चाहता अलॉन्ग विद जैसे डिमांड बढ़े, क्योंकि दे वांट टू डू बेटर थिंग्स, या उनको पोल्यूशन नहीं चाहिए या लो वैल्यू एड आइटम नहीं चाहिए, जो भी उनको नहीं चाहिए। बट एंड प्लस बिकॉज ऑफ ESG कंसर्न, आजकल इस सेक्टर की फाइनेंसिंग ज़रा और मुश्किल है देन यू नो इन न्यूअर एज सेक्टर्स एंड ऑल दैट। सो व्हाटएवर रीजन हमने ये दो लिए हैं, लेकिन हम दिल से ये सेक्टर नहीं करते हैं। ये सेक्टर हम करते हैं कि चलिए थोड़े दिनों के लिए हमें लग रहा है ये ठीक है, और 4-5% हम अपने आप को हेज करने के लिए करते हैं। और वेदांता जैसे स्टॉक्स का तो जी हम नाम भी नहीं लेते। ये हमारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस 30 साल का यही रहा है कि मेमोरी हम जरा थोड़ी लॉन्ग टर्म रखते हैं कि किसने क्या क्या पहले किया जिंदगी में। एक सेक्टर जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया लास्ट 1 साल की रैली में, वो था IT स्पेस। बड़े स्टॉक्स तो ऑफकोर्स चलते ही रहे, लेकिन वहाँ भी कुछ मार्जिन प्रेशर्स की भी बात आ रही है वेज हाइक्स की, और एक तरफ मिड कैप्स हैं जो 3-4x भी हो गए। आप उस स्पेस को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं? नहीं, वेज इन्फ्लेशन तो सबकी होगी जी, वो तो बल्कि छोटे वाले की ज्यादा होगी, लेकिन इन जनरल हमारे पास दोनों है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू कॉल मिड कैप IT। बिकॉज IT में एज आई वाज सेइंग, वो जो 3 थीम्स हैं, फाइनेंशियल में आप कह सकते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ जो लास्ट 5-7 साल की है उससे स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस बेटर नहीं रही है, उसी लाइन में रही है। दूसरा सेक्टर था ये कंज्यूमर वाला, जिसमें ग्रोथ बहुत ठीक रही है, नॉर्मल रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द अर्निंग्स ग्रोथ। और सॉफ्टवेयर सेक्टर में ये हुआ कि अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी है और वैल्यूएशन थोड़ी बड़ी है, लेकिन इस समय बिकॉज द वे वर्ल्ड इज मूविंग, जैसे हर चीज में लोग टेक्नोलॉजी में स्पेंड करना चाहते हैं, चाहे वो क्लाउड हो या फिर उनको अपना वेबसाइट चाहिए या ऐप चाहिए या उनको सिक्योरिटी चाहिए या उनको ये न्यू मतलब न्यू उसमें जाना चाहते हैं एरियाज में वेयर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव चीजें हैं, उसमें हमारे इंडियन कंपनीज का फायदा ये है कि उनको आप जो काम कराना है करा लो, उनको ट्रेनिंग थोड़ी सी चाहिए होती है। अगर आपने जिस एरिया में वेज इन्फ्लेशन हो रही है, दैट मींस वो एरिया बड़ा हॉट है, दैट मींस वो एरिया बड़ा हाई ग्रोथ है, तो वहां पे आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे के वो वाले इंजीनियर लेंगे, लेकिन वो मोस्टली घूम फिर के रिकवर हो जाते हैं इन द न्यूअर सेक्टर्स वेयर देयर इज सच अ बिग डिमांड। बिकॉज अल्टीमेटली द ब्यूटी ऑफ द इंडियन मॉडल इज कि उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होना है, लेकिन जो होना है उसमें IT अगर चाहिए तो हमारे बंदे जो है घूम फिर के वो सीख लेते हैं, एंड दैट इज मेक्स अ गुड बिजनेस। लेकिन उसकी वैल्यूएशन थोड़ी बड़ी है, बट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड आज की सिचुएशन में जहाँ हर चीज को हम कहते हैं कि ये इसमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नया सॉफ्टवेयर चाहिए, नया व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इंडिया इज अ और इंडियन कंपनीज आर अ गुड प्ले फॉर दैट। सो उनकी वैल्यूएशन बड़ी है थोड़ी, जैसे पहले वो 20 टाइम मल्टीपल्स में होते थे, 20-25, अब वो 35 तक पहुंच गए हैं, लेकिन वो फिर भी IT वगैरह से उसे कंज्यूमर वगैरह से बहुत कम है और अर्निंग्स ग्रोथ उनसे ज्यादा ही होती है हमेशा, और अभी भी लगता है कि 5-10 साल की स्टोरी है ये बिग पिक्चर में। ऑफकोर्स कुछ स्टॉक्स ज्यादा बढ़ गए कम बढ़ गए तो उसकी अलग स्टोरी होगी, बट जनरली सेक्टर इज गुड एंड द वर्ल्ड नीड्स दिस सेक्टर एंड वी हैव दैट सेक्टर, वी मीन द इंडियन मार्केट हैज दैट सेक्टर इन अ यूनिक वे, तो उसकी डिमांड तो रहेगी। चलिए एक थोड़ा सा डिटूर लेते हैं और आपके बिजनेस की बात करते हैं। आपका PMS जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा चल रहा है, हम उनके फंड मैनेजर से भी रेगुलरली बात करते रहते हैं। आप बताइए कैसे फ्लोज चल रहे हैं, किस तरह के इंटरेक्शंस हो रहे हैं आपके बड़े क्लाइंट्स में एज फार एज योर PMS बिजनेस गोज? फ्लोज ठीक है, फ्लोज अच्छे का मतलब अच्छे तो और भी अच्छे हो सकते हैं हर चीज में, बट ठीक है, फ्लोज हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। वी आर अप नियरली 100% फ्रॉम डे वन and market up around 88-89% from that division, market ki timing bhi perfect rahi, aur ab hum usme naye naye distributor sign kar rahe hain, plus hamara main interest over time is to get a mutual fund license jiske liye humne apply kiya hua hai, so this will flow then into, because abhi we are learning how to deal with retail, abhi hamara jo offshore fund tha wo mostly ya 99% institutional money hai,
अब हम बेसिकली रिटेल में जा रहे हैं, विच नीड्स अ डिफरेंट माइंडसेट। उसमें बड़े सारे सेल्स वाले के बंदे चाहिए, बड़े ऑपरेशंस के लोग चाहिए, बड़ी ब्रांचेस चाहिए, वो डिफरेंट मॉडल है। पहले फंड मैनेजमेंट तो एक पार्ट हो गया जो हमें पहले से पता है, बाकी चीजें हम भी साथ साथ कर रहे हैं और सीख रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या ये कहेंगे कि आप फंड मैनेजमेंट के बिजनेस पे काफी बुलिश है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे एलाइड मार्केट एलाइड और रिलेटेड सेक्टर के स्टॉक्स काफी ज्यादा रीरेट हुए हैं, आप उसको भी देख रहे हैं क्या काफी क्लोजली? नहीं जी, क्राउडेड स्पेस वो इसलिए है क्योंकि सब लोग जो है वो फंड मैनेजर की तरह से इस बिजनेस को नहीं देख रहे हैं, वो बिजनेसमैन की तरह से देख रहे हैं। जैसे कि अगर आप नए फंड देखें, वो सब कहते हैं हमारे पास ना 20 हम ETFs कर देंगे जो खाली सपोज 10 बेसिस पॉइंट पे, आपको मोबिलिटी फंड चाहिए, आपको बैटरी फंड चाहिए, आपको हॉर्स फंड चाहिए, आपको काउ फंड चाहिए। ये फंड मैनेजमेंट होना हुई जी। इट इज लाइक सेइंग कि आपको कि मैं क्रॉफर्ड मार्केट जा रहा हूँ या चांदनी चौक जा रहा हूँ और वो दुकान वाला बोले आपको कौन सा स्क्रू चाहिए और मेरे पास सबसे चीपेस्ट है, आपको जो भी स्क्रू चाहिए मेरे पास सबसे चीपेस्ट है। वो आदमी बोले मुझे ये नहीं पता कि मुझे कौन सा स्क्रू चाहिए, क्योंकि वो तो मैं भी नहीं बता सकता। अगर आपको एग्जैक्टली पता आपको कौन सा स्क्रू चाहिए, मेरे पास सबसे सस्ता है। दूसरा मॉडल है एप्पल फोन वाला मॉडल, आपके पास हमारी तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, इस प्रोडक्ट में हम सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं या होंगे या हैं व्हाटएवर, और हम पूरी फर्म एक प्रोडक्ट करती है और ये फंड हमारे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए मीन मोस्ट ऑफ द पब्लिक के लिए। इट्स अ डिफरेंट मॉडल। तो वो पहला मॉडल जो है वो फंड मैनेजमेंट, आप कैसे उसको बोल सकते हैं? दैट इज अ मॉडल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर स्ट्रेटजी। आपको बैटरी फंड चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मैं 10 पैसे में दे दूंगा, लेकिन वो स्टोरी नहीं है ना। स्टोरी है कि आपको बैटरी फंड चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपको भी नहीं पता। आप बिना बात पे 10 बेस, क्योंकि आपको 10 पैसे लग रहे हैं, आप इधर उधर पंट मार रहे हैं। इट्स नॉट अ फंड मैनेजमेंट मॉडल। इट इज कि वी विल डिलीवर यू योर स्ट्रेटजी एट द लोएस्ट कॉस्ट। हाउ इज इट अ फंड मैनेजमेंट बिजनेस? मतलब बोलते हैं लोग, बोलते रहे फंड मैनेजर, में भी फंड मैनेजर का रोल होना चाहिए, इसलिए हम तो एक्टिव फंड करेंगे, हम पैसे फंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बिजनेस की नहीं है ना, हमारी बिजनेस फंड मैन, हमारी हिस्ट्री फंड मैनेजमेंट की है। सो दैट विल बी द डिफरेंस। सो वी विल डू इट इन द ट्रेडिशनल वे, नॉट इन द आपको कौन सा फंड चाहिए। आप 50 फंड हमने नेट पे डाल दिए, उसके ऊपर 4-4 पेज लिख दिए, आपको जो लेना आप ले लो, हमें 10 पैसे दे देना, हम नहीं करते ऐसे काम। मार्केट के जितने भी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं बहुत सारे, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, चाहे वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड बैक ऑफिस जॉब्स जो कर रही हैं, प्रोसेसिंग वगैरह, कैम्स CDSL टाइप की, या BSE जैसे, या कुछ न्यू टेक इनेबल्ड ब्रोकर्स हैं, इन सारे रिलेटेड कैटेगरी स्टॉक्स जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स से बोलते हैं उनको, उन पर आपका क्या नजरिया है? Yes, we have ICICI securities in our this thing portfolio, and we should have had, but we don't have one of these platform, if you want to call it. But platform नहीं होता जी ये। Platform का मतलब होता है कि वो जो दोनों साइड हैं वो अपने आप आ रहे हैं, जैसे Google में या YouTube, that is a platform। उधर से content producer आया, उधर से ad company आई, हमने खाली यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं, आप एक दूसरे से काम कर लो, हमारे को पैसे भेज देना 20%। अब आप म्यूचुअल फंड प्रोसेसिंग कंपनी, हाउ इज इट अ प्लेटफॉर्म? इट इज यू आर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस। ओके, यू कैन कॉल इट प्लेटफॉर्म कि जैसे फंड आएंगे उधर से वैसे इन्वेस्टर आएंगे, बट दे डोंट टॉक टू ईच अदर ऑन देयर ओन। इट्स अ बिट डिफरेंट, बट ओके, वी कैन कॉल इट प्लेटफॉर्म इन अ बिग पिक्चर सेंस। बट आई थिंक प्लेटफॉर्म इज लाइक नेटफ्लिक्स इज नॉट अ प्लेटफॉर्म, बट यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि उधर आपको कंटेंट नहीं, आप क्रिएट कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप सेलिंग कर रहे हो, उसमें प्लेटफॉर्म क्या हुआ? प्लेटफॉर्म का मतलब है उधर से तुम भी आओ, उधर से तुम भी आओ, और मैं आपको एक्सचेंज दे रहा हूँ। तो जैसे NSE टेक्निकली इज अ प्लेटफॉर्म, उधर से कंपनी है, उधर से वो आया, हम तो खाली अपना प्लेटफॉर्म, उधर से ब्रोकर आया, वो अपना जनरेट करो, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर लेना। बट ठीक है, ब्रॉडली आई एग्री विद यू, एंड दिस इज अ गुड बिजनेस, बिकॉज ये मार्केट रिलेटेड बिजनेस है, एंड वी इफ वी आर बुलिश इन जनरल ऑन द मार्केट, देन वी हैव टू बुलिश अबाउट थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद द मार्केट, बट वी आर नॉट बुलिश ऑन द लिस्टेड म्यूचुअल फंड कंपनी बिजनेस, बिकॉज ऑफ ओवरऑल रिडक्शन कंटिन्यूअसली इन देयर फी, which will be driven by all these guys who want to do
20 funds. It's not that we are saying ki everybody, the business ki valuation badi achhi hai on businesses ki. Business achha hai. समीर, आप सबको ये बात बताते रहते हैं कि एक अच्छा फंड मैनेजर बनने के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, और आप खुद भी काफी वेरिएड रीडिंग इंटरेस्ट रखते हैं. आजकल आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, कुछ जिस्ट बताइए. अभी ठीक, मैंने ये लैपटॉप बुक्स के ऊपर ही रखा है, यहाँ तो लंदन में बैठ के, तो ये लो एक बुक, ये मैं पढ़ रहा हूँ. ओके, क्या है इसका जिस्ट अगर आप बता सके. इसका जिस्ट मैं भी पढ़ा नहीं, मैंने भी आधी बुक पढ़ी है. बेसिकली ये बुक है कि चाइना में कैसे अगर ज्यादा बोला ज्यादा किया तो क्या नुकसान फायदे हुए उसके उसको उसके उसके बिजनेस को. तो दिस इज आल्सो इन सम सेंस स्टिल रिलेटेड टू द मार्केट, लेकिन नॉट अबाउट इंडियन मार्केट. एनीवे, बुक्स तो मेरी जो होती है वो इंडियन मार्केट में तो बुक्स वैसी होती नहीं है, मतलब कोई लिखता ही नहीं हो, जो लिखते हैं वो ठीक नहीं लिखते या इंटरेस्टिंग नहीं लिखते. बट वैसे अगर आप बिगिनर के हिसाब से बुक्स देखें, बिगिनर मीन नॉट बिल्कुल जीरो, बट जो थोड़ा बहुत है एंड वांट्स टू रीड, वो आप मेरे ट्विटर उस पे देखें. बहुत बुक्स मैं क्योंकि पढ़ता हूँ, मैं अभी इसके नीचे भी मैं 6 बुक्स पढ़ी हैं, और अभी तो मैं लंदन में हूँ तो अब होपफुली 1-2 महीने में खत्म होंगी. बट बुक्स तो बुक्स से ज्यादा एजुकेशन अभी कहीं नहीं हो सकती. जाने से पहले समीर आपसे जानना चाहेंगे कि एक मैटर को लेके बाजार लास्ट 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा नर्वस है, और वो है फार्म बिल्स का रिपीलमेंट, जो बाजार जो सरकार ने वापस लिए हैं. बाजार को लग रहा है कि शायद ये ओवरऑल रिफॉर्म प्रोसेस को थोड़ा धीमी गति की तरफ लेके जा सकता है. क्या आपको ऐसा लगता है, ये एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पूरे इशू पर? सी, फार्म लॉ में हम भी कंफ्यूज हुए थे कि इसका मतलब इसका किसी मार्केट के किसी एरिया में नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज जो एग्रीकल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सारे रिफॉर्म्स तो मुझे लगता है नहीं स्लो होंगे, क्योंकि इतना क्या हो गया, अभी अभी आपने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया है, जो बड़ी स्मूथली होगी. स्मूथली इन द सेंस कि उसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं हुई, कोई यूनियन ने बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाया, किसी ने कुछ नहीं किया, वो मोस्टली माना गया है, और बाकी पुराने रिफॉर्म्स तो हो ही गए हैं. तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म का स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट एसोसिएट करना कि इसलिए मैं ट्रैक्टर कंपनी नहीं खरीदूंगा या कुछ और नहीं खरीदूंगा, वो इतना हमें डायरेक्ट समझ नहीं आई. बट बिग पिक्चर में यू कैन से कि इट वाज वर्थ अ 2-3% फॉल, बिकॉज उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो होने थे इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ये वगैरह, वो बड़े बिग पिक्चर क्वालिटेटिव फैक्टर्स थे जिससे पूरी इकोनॉमी को फायदा होता या कंजम्पशन को फायदा होता, अगर इनकम क्रिएशन हो. लेकिन उसका समझ नहीं आया कि किस स्टॉक से रिलेट किया जाए अभी के लिए. लेकिन कईयों को नुकसान हुआ होगा, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कर रहे होंगे इन क्रिएटिंग वेयर हाउसेज इन वो सब, उनका हल्के हल्के दे विल हैव टू, देयर मे बी प्लान्स बिकम अ बिट स्लो. बट हमें अपने स्टॉक मार्केट में समझ ही नहीं आया, इसलिए हमने उसको कल छोड़ दिया. फिर हमने कल बात की थी अपनी मीटिंग में सुबह की, अब इसका क्या मतलब है, किसी को नहीं समझ आया कि व्हाट डू वी डू विद इट टुडे. But in a big picture sense, it is negative, little bit obviously, because अगर आप सोच रहे हैं कि farmer की income बढ़ रही थी या private sector participation हो रही थी वगैरह वगैरह, तो उससे हो सकता है कि overall economy को lift मिलता, but nothing much for us to do one to one today, तो इसलिए. समीर, ईटिनो स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप अपनी लंदन में और जिनीवा में क्रिसमस ब्रेक को एंजॉय करिए, फिर मुलाकात जल्दी होगी. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग.